Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. भाई सुबह सुबह घर से निकल गया हूँ because आज मैं जा रहा हूँ the great खली से मिलने के लिए. Guys, I left home early in the morning because today I am going to meet the great खली. हाँ guys, वो हल्द्वानी आए हुए हैं. हाँ guys, he has come to हल्द्वानी. मेरा दोस्त है, उसने बोला कि चलो चलते हैं मिलने, मिलवा दूँगा. He is my friend and he said let's go. I will introduce you to him. तो मैंने कहा चलते हैं. I said let go. बट हाँ, पक्का नहीं है मिलेंगे नहीं मिलेंगे. बट येस नॉट श्योर वेदर वी विल मीट और नॉट. बाकी जो भी होगा चलते हैं. वॉट एवर एल्स हैपन लेट्स गो. चलते हैं, निर्मल को पिक करते हैं और साथ में पार्टी को पिक करते हैं, फिर चलें. लेट्स पिक अप निर्मल भैया एंड ऑल्सो पिक अप पार्टी भाई एंड देन वी विल गो. तो भी घर से निकल गए. सो नाउ वी हैव लेफ्ट होम. और यहाँ पे हमारे पाल्टी भाई जो हमको मिलवाएंगे द ग्रेट खली से. एंड हियर इज पाल्टी भाई हु विल इंट्रोड्यूस अस टू द ग्रेट खली. हाँ भाई, आज हम खली जी से मिलने जा रहे हैं. यस ब्रदर्स, टुडे वी आर गोइंग टू मीट खली जी. और देखो, खुद भी खली से कम नहीं है. एंड लुक, ही हिमसेल्फ इज नो लेस देन खली जी. अरे पतले हैं हम तो यार, सूखे से. वी आर थिन फ्रेंड्स. तो कहाँ जा रहे हैं हम अभी? सो वेर आर वी गोइंग नाउ? दिस इज वेरी डेंजरियस नेम सौरव होटल. तो सौरव होटल में रुके हुए हैं खली जी. सो खली जी इज स्टेइंग इन सौरव होटल. तो उनका इनविटेशन आया है. So his invitation has come. वैसे नहीं आया, मजाक कर रहा हूँ. By the way, I am just kidding. इनके पास आया है तो इन्होंने बोला कि चलो. मैं कहा ठीक है चलते भाई. When the invitation come to him, he said, come on brother, it's okay, let's go. हमारा व्लॉग बन जाएगा. Our vlog will be made. But मैं ऐसे जबरदस्ती व्लॉग नहीं बनाऊंगा, पूछ के बनाऊंगा. But I will not make such a forced vlog. I will make it after asking. सौरव होटल में पहली बार जा रहे हैं guys. Going to सौरव होटल for the first time. यार कितना अच्छा नाम है सौरव होटल. सौरव होटल is such a nice name. अच्छा लग रहा है सुन के. सौरव होटल, नाइस. सौरव होटल, अच्छा. तो ये है सौरव होटल. ये है सौरव होटल. दिस इज सौरव होटल. सौरव होटल के अंदर आ गए हैं. लेकिन भाई काफी अच्छा होटल है. वी हैव कम टू सौरव होटल बट ब्रो इट इज वेरी गुड होटल. इसके अंदर जंगल भी होटल के बीच में. देयर इज ऑल्सो अ फॉरेस्ट इनसाइड द होटल. तो भी चलते हैं खली सर के रूम में उनसे मिलने के लिए. सो लेट्स गो टू खली सर रूम टू मीट हिम. गाइस पोपट हो गया वहाँ, तो भीड़ लगी बहुत ज्यादा. गाइस इट बिकेम पोपट, इट वॉज वेरी क्राउडेड थेर. भीड़ के बीच में तो हम जा नहीं पाएंगे ना. सो वी वॉन्ट बी एबल टू गो amidst द क्राउड. तो इसलिए हम वापिस जा रहे हैं, फिर कभी मिलेंगे. सो दैट्स वाई वी आर गोइंग बैक देन सी यू टुमारो. जब अच्छे से मिलने का मौका मिलेगा ना तब मिलेंगे. अभी तो वहाँ बहुत भीड़ लगी है बहुत ज्यादा. We will meet when we get a chance to meet properly right now. It is very crowded there. साहिल मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे थे तो फिर मैं आ गया वापसी. Maybe take a photo with me. Sorry guys, खली भाई से नहीं मिलवा पाए आपको. Sorry guys, could not introduce you to him, खली भाई. कोई बात नहीं, next time कभी देखेंगे. तो अब चलते हैं घर. No problem. We will see you next time. Let's go home now. खली भाई अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो. खली ब्रदर, if you are watching vlog then. No friends, why will you watching vlog? खली भाई के बच्चे तो देखते होंगे. खली ब्रदर्स चिल्ड्रन मस्ट बी वॉचिंग. गाइस ऐसे ना मेरा बहुत पोपट होता है. गाइस दिस हैपन टू मी अ लॉट. बहुत जगह जाता हूँ, बहुत लोगों से मिल नहीं पाता हूँ, बहुत चीजें नहीं हो पाती हैं. घूमने के लिए जाता हूँ. When I go to many places, I don't get to meet people. Many things don't get done. I go for a walk. Expect कुछ और किया होता है, होता कुछ और है. Expect something else, do something else, happen something else. ये लाइफ में चलता रहता है. Because life goes on. कई बार मैं आपको दिखाता ही नहीं हूँ, बट अब की बार आप दिखा रहा हूँ आपको. Many time I don't show you, but this time I am showing you. कोई बात नहीं, future में कभी मिलेंगे. No problem. Let's meet in the future. बट हाँ, मैं ज्यादा फोर्स नहीं करता, ज्यादा वो नहीं करता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना फिर ऐसे. उनकी भी लाइफ है यार. बट यस आई डोंट फोर्स टू मच बिकॉज आई डोंट फील गुड. ही ऑल्सो हैज अ लाइफ. मम्मी के फोन आ रहे हैं, पनीर लेके आ, पनीर लेके आ. मम इज कॉलिंग टू ब्रिंग चीज. मैंने कहा मैं खली से मिलने के लिए रुका हुआ हूँ. आई सेड
आई एम वेटिंग टू मीट खली भाई। भाई मैं सुबह सुबह बिना नहाए धोए सीधा उठते ही। ब्रदर्स आई केम इन द मॉर्निंग विदाउट बाथिंग एज सून एज आई वोक अप। मेरे को फोन आया कि मिलना है आ जाओ। मैंने कहा ठीक है आ जाता हूँ। आई गोट कॉल आस्किंग मी टू मीट कम ओवर। आई सेड ओके आई एम कमिंग। पहुँच चुके पनीर लेने के लिए। आई हैव अराइव टू गेट द चीज। गाइस वैसे मिलने को तो मैं मिल सकता था खली से, बट आपने देखा होगा उनके ना गेट के बाहर भीड़ लग गई थी। गाइस इफ वी वांटेड टू मेट वी कुड हैव मेट खली बट यू मस्ट हैव सीन देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउडेड देयर। तो वो मैं समझ सकता हूँ जब सुबह सुबह तुम्हारे गेट के बाहर भीड़ लगी हो मिलने वालों की। सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन देयर इज अ क्राउडेड आउटसाइड योर गेट इन द मॉर्निंग टू मीट पीपल। तो कैसा फील होता है, तो इसीलिए मैं वापस आ गया। सो हाउ डू यू फील, दैट्स व्हाई आई केम बैक। घर पहुंच गया हूं और यहां पे देखो उल्टे काम कर रखे हैं, गेट पे साड़ी टांग रखी है। आई हैव अ रिच होम एंड लुक हियर दे आर डूइंग रॉन्ग वर्क दे हैव हंग साड़ी एट द मेन गेट। गेट खुल नहीं रहा देखो। द गेट इज नॉट ओपनिंग लुक। ये देखो भाई, भाई ऐसे कौन टांगता साड़ी को मेन गेट पे। लुक ब्रदर्स हु हैंग्स द साड़ी ऑन द मेन गेट लाइक दिस। किसी को अंदर बाहर जाना हो तो इफ समवन वांट्स टू गो इन और आउट। आ गया वहां से, हैं खली से मिल के आ गया। हां केम फ्रॉम देयर टू मीट खली।